Thanks for subscribe my channel Brain Booster School. Introduction of DMIT and Midbrain Activation. DMIT क्या है? DMIT का full form क्या है? DMIT क्यों करवाना चाहिए? DMIT से हम career counseling कैसे कर सकते हैं? DMIT में क्या किया जाता है? इन सब के बारे में detail में जानकारी दिया जाएगा. DMIT का फुल फॉर्म होता है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट. यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है डर्मा एंड ग्राफिक. डर्मा का अर्थ स्किन अर्थात चमड़ी है. ग्लाइफिक्स का अर्थ होता है प्रिंट यानी चमड़ी का प्रिंट लिया जाता है. यानी कि हम दसों अंगुलियों के फिंगरप्रिंट लेते हैं और इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार किया जाता है और रिपोर्ट के आधार पर काउंसलिंग की जाती है. रिपोर्ट में स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलता है. स्ट्रेंथ के आधार पर हम बच्चों के कैरियर के बारे में, लर्निंग पैटर्न के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं और उसके आधार पर बच्चा कार्य करके अपना एकेडमिक सुधार लेता है और सफल हो जाता है. वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों तथा मस्तिष्क शोधकर्ताओं का कहना है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में 3-4 माह का होता है तो उसके ब्रेन का सबसे पहले विकास होता है जिसे सेरेब्रम कॉर्टेक्स कहा जाता है. उसी दौरान बच्चे की अंगुलियों के निशानों का विकास होता है. इस फिंगरप्रिंट को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में रेज कहा जाता है. अब DMIT का एडवांस जनरेशन आ चुका है जिसे हम रेज एनालिसिस के नाम से जानते हैं. DMIT रिपोर्ट से लोब्स के बारे में पता चलता है. हमारा कौन सा ब्रेन कार्य कर रहा है, लेफ्ट या राइट, उसके बारे में पता चलता है. हमारे लर्निंग पैटर्न के बारे में पता चलता है. पर्सनालिटी, कैरियर, बिहेवियर के बारे में भी रिपोर्ट में आता है. हमारे क्वोशेंट के बारे में IQ, AQ, CQ, SQ, EQ के बारे में भी DMIT रिपोर्ट से पता चलता है. हमारे ब्रेन में 10 प्रकार के लोब्स होते हैं. प्रत्येक लोब्स में न्यूरो सेल्स होते हैं. जिस लोब्स में ज़्यादा न्यूरो सेल्स होते हैं वह ब्रेन लोब्स डोमिनेटिंग होगा. उसी ब्रेन लोब्स की विशेषता इंसान में दिखाई देगी. हमारे ब्रेन के 10 लोब्स में लगभग 86 बिलियन न्यूरो सेल्स होते हैं. जिस लोब्स में न्यूरो सेल्स की संख्या ज़्यादा होती है उसी की विशेषता हमारे जीवन में परिलक्षित होती है, हमारे बिहेवियर में परिलक्षित होती है. हमारा पर्सनालिटी भी उसी जैसा होता है. जो बच्चे दिमागी रूप से अविकसित होते हैं, डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं, उन बच्चों का फिंगरप्रिंट नहीं होता है या आधा अधूरा होता है. इसलिए इन बच्चों का टेस्ट भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि DMIT के लिए पूर्ण रूप से विकसित फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है. ऐसे बच्चों के दिमाग को भी विकसित करने के लिए मेरे यहाँ कुछ म्यूजिक दिया जाता है. उस म्यूजिक के आधार पर बच्चे का न्यूरॉन्स एक्टिवेट होता है, वह अपना डेली का कार्य आसानी से कर सकता है. तो ऐसे पेरेंट्स भी संपर्क कर सकते हैं. चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होते हैं.
ये कितने प्रकार के होते हैं, इससे हमारे बिहेवियर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे कैरियर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी पर्सनालिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इंटेलिजेंस निम्नलिखित 9 प्रकार के होते हैं जिसके बारे में आज मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक सुने। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, विजुअल इंटेलिजेंस, फाइन मोटर इंटेलिजेंस, ग्रॉस मोटर इंटेलिजेंस, लैंग्वेज इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, नेचर लव इंटेलिजेंस, ये 9 प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं। इनके बारे में संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। इस इंटेलिजेंस के लोग बहुत कम बोलते हैं, अकेला रहकर अच्छा काम करते हैं। इनको अपना भविष्य ऐसे क्षेत्र में बनाना चाहिए जिस क्षेत्र में लोगों से वार्तालाप कम होती हो, अकेले रहकर ज़्यादा काम करना पड़ता हो। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोग अकेले रहकर कार्य करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, यह लोगों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इनको स्टेज पर आकर बोलना, लोगों को अपनी बातों को बताना बहुत अधिक प्रिय होता है। इनमें लीडरशिप का गुण होता है, ये भाग भाग कर कार्य करना पसंद करते हैं। एनालिटिकल इंटेलिजेंस, यह इंटेलिजेंस दर्शाता है कि किसी विद्यार्थी या किसी व्यक्ति या मनुष्य का लॉजिकल रीजनिंग पावर कैसा है। किसी भी क्षेत्र में मनुष्य का आईक्यू लेवल इसी इंटेलिजेंस से तय किया जाता है। विश्लेषण करना, कैलकुलेशन करना, किसी बात पर तर्क पेश करना, किसी कार्य को करने की प्रक्रिया पर ज़्यादा फोकस करना, इसी इंटेलिजेंस की विशेषताएं हैं। विजुअल इंटेलिजेंस, यह इंटेलिजेंस दर्शाता है कि इंसान का ब्रेन किस तरीके से सीखता है, देखकर, सुनकर या लिखकर। किंतु इंटेलिजेंस के नाम से ही विदित है कि ब्रेन विजुअल ऑब्जेक्ट मटेरियल को ज़्यादा एप्रिसिएट करता है। अगर किसी की विजुअल एप्रिसिएशन इंटेलिजेंस अधिक डोमिनेटिंग है तो उन लोगों के लिए यह सुझाव है कि वह विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर चित्र बनाकर, फ्लो चार्ट बनाकर, कार्टून या डायग्राम की मदद से याद करने के लिए सुझाव दें। फाइन मोटर इंटेलिजेंस, इस इंटेलिजेंस को काइनेस्टिक इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। यह इंटेलिजेंस हमारे हाथों की गतियों को, अंगुलियों की गतियों को, हमारे लिखने की कला को तथा एक जगह बैठकर रहने वाले कार्यों के लिए जिम्मेदार है। जिन लोगों की भी यह इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है वह लोग एक जगह बैठकर काफ़ी अच्छा काम करते हैं, जैसे ड्राइंग अच्छी करते हैं, चेस खेलते हैं, निशानेबाजी करते हैं, तीरअंदाजी इत्यादि अच्छा कर लेते हैं। ग्रास मोटर इंटेलिजेंस, इस इंटेलिजेंस को काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। यह इंटेलिजेंस हमारे हाथों की गतियों, अंगुलियों की गतियों और हमारे लिखने की कला को नियंत्रित करता है, किंतु पूर्ण शरीर गतियों को भी नियंत्रित करता है, जैसे आउटडोर एक्टिविटी, डांसिंग, प्लेइंग। यह इंटेलिजेंस जिन लोगों का अच्छा होता है, अर्थात स्ट्रांग होता है या मजबूत होता है, वह विद्यार्थी तथा लोग अधिकांशतः आर्मी, पुलिस, खेलकूद, जिम्नास्टिक आदि में अपना कैरियर बनाएंगे तो अच्छा होगा
मन लगाकर कार्य करेंगे, इंटरेस्ट बढ़ेगा। अतः DMIT करवाएं, कैरियर काउंसलिंग करवाएं। ब्रेन के नेचर के हिसाब से यदि कार्य करेंगे तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, कार्य करने में मन लगने लगेगा। अगर मन लगेगा तो अधिक समय तक आप कार्य कर सकते हैं और सफलता निश्चित है। लैंग्वेज इंटेलिजेंस, जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि यह इंटेलिजेंस किसी भी इंसान की भाषा से संबंधित है। अगर किसी इंसान की यह इंटेलिजेंस DMIT रिपोर्ट में स्ट्रांग दिखाई देता है तो उस इंसान के दिमाग में भाषा को अच्छी तरह से सीखने सींचने का बीज पड़ा हुआ है, अर्थात अदर इंसान की मुकाबले यह इंसान किसी भी भाषा को बहुत जल्दी सीख सकता है। इन लोगों की बोलने की कला इतनी आकर्षक होती है कि व्यक्ति इनकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस इंटेलिजेंस के स्ट्रांग होने से विद्यार्थियों के परीक्षा में भाषा से संबंधित पेपर में सबसे अधिक अंक दिखाई देते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, अगर DMIT रिपोर्ट में म्यूजिकल इंटेलिजेंस स्ट्रांग दिखाई पड़ता है तो इसका आशय यह है कि इंसान का टेम्परल लोब अधिक स्ट्रांग है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि टेम्परल लोब बोलने और सुनने के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए टेम्परल लोब डोमिनेटिंग लोगों को म्यूजिक सुनने का शौक होता है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस स्ट्रांग लोग म्यूजिक के क्षेत्र में अधिक रुचि लेते हैं, इसी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। जिन लोगों का म्यूजिकल इंटेलिजेंस स्ट्रांग होता है वह लोग अधिक भावुक होते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब कभी यह लोग भावुक होते हैं तो यह लोग अपने आप को भावुकता से दूर करने के लिए म्यूजिक का सहारा लेते हैं और इनको राहत मिलता है। यदि ये क्रोधित होते हैं तो इनके मनपसंद का यदि म्यूजिक सुना दिया जाए तो इनका क्रोध भी शांत हो जाता है। नेचर लव इंटेलिजेंस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस इंटेलिजेंस के लोग प्रकृति से ज़्यादा प्रेम करते हैं। घूमना टहरना, रंग बिरंगी चीज़ों को देखना इत्यादि पसंद करते हैं। ये नेचर प्रेमी होते हैं, इन्हें प्रकृति से ज़्यादा प्रेम होता है। घूमना टहलना, पशुपालन करना, बागवानी लगाना, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। इस इंटेलिजेंस के लोग घर में डॉग पालते हैं, खरगोश पालते हैं, तोता और रंग बिरंगी पक्षियों का पालन भी करना पसंद करते हैं। कृषि के क्षेत्र में इनका लगाव रुझान ज़्यादा होता है। अगर किसी इंटेलिजेंस के सामने 10% है तो वह इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी और उसका रंग हरा होगा। अगर किसी इंटेलिजेंस के सामने 7% से लगाकर 9.99% तक है तो वह इंटेलिजेंस औसत से अधिक होगी और उसका रंग नीला होगा। अगर कोई इंटेलिजेंस 0 से लगाकर 6.99% है तो वह औसत होगी और इसका रंग लाल होगा। रिपोर्ट की काउंसलिंग के दौरान जब किसी कैरियर को सेलेक्ट किया जाता है तो इन्हीं इंटेलिजेंस का सहयोग लिया जाता है। जब किसी क्षेत्र विशेष के लिए इंसान की उस क्षेत्र विशेष के लिए सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस मैच हो तो वह कैरियर उसको सजेस्ट किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर किसी इंसान की रिपोर्ट में इंट्रापर्सनल लैंग्वेज और म्यूजिक इंटेलिजेंस हरा रंग है, अर्थात 10% से अधिक है, तो यह तीनों इंटेलिजेंस
का कॉम्बिनेशन यह सजेस्ट करता है कि उस इंसान को वीडियो एडिटिंग, म्यूजिक कंपोजिशन, म्यूजिक एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग, म्यूजिक टीचर और म्यूजिक डायरेक्टर आदि क्षेत्र में जाना चाहिए। DMIT टेस्ट और कैरियर काउंसलिंग के लिए ब्रेन बूस्टर स्कूल में संपर्क करें और सफल बने। आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यह तो आपने इसके स्ट्रांग होने के बारे में बताया, यदि रिपोर्ट में यह आ जाता है कि कोई इंटेलिजेंस वीक है तो हम क्या करें। वीक होने के बाद आप बताएंगे कि यह वीक है तो उसका उपाय क्या होगा, तो उसका उपाय भी हमारे यहाँ बताया जाता है, रेमेडी बताई जाती है और हमारे यहाँ एक वर्कशॉप कराया जाता है जिसका नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। मिड ब्रेन एक्टिवेशन में म्यूजिक, डांस, योगा, ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन जिम कराया जाता है जिससे कि बच्चे के इंटेलिजेंस में जो कमियां होती हैं उसमें सुधार किया जाता है, उसके याद करने की क्षमता में वृद्धि कराई जाती है, उसके लर्निंग पैटर्न में इंक्रीमेंट किया जाता है, जो एवरेज है वह स्ट्रांग तो नहीं होता है, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, लेकिन जो स्ट्रांग है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और उसी के आधार पर कैरियर काउंसलिंग किया जाता है। काउंसलिंग के दौरान माता पिता को इस बात से अवगत करा देना चाहिए कि उस बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है। लर्निंग पैटर्न तीन प्रकार के होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। यदि बच्चा का विजुअल लर्निंग पैटर्न है तो उस बच्चे को देखकर प्रश्नों के उत्तर याद होते हैं, फ्लो चार्ट बनाकर मीनिंगफुल फॉर्मेट या एनिमेटेड फॉर्म में उत्तर याद होते हैं, विद्यालय में बोर्ड पर लिखी हुई चीज आसानी से याद हो जाती है। ऐसे बच्चों को लिख लिख कर उत्तर याद नहीं करना चाहिए। यूजुअल लर्निंग पैटर्न वाले बच्चों को आँखों का डर नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा करने से पेरेंट्स और बच्चों के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं, बच्चा पेरेंट्स की बात नहीं सुनता है, अतः पेरेंट्स को इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। ऑडिटरी लर्निंग पैटर्न का यदि बच्चा है तो वह सुनकर जल्दी याद करता है, अर्थात ऐसे बच्चों को कहना चाहिए कि बोल बोल कर जोर जोर से बोल कर याद करें या पेरेंट्स इन्हें सुनाएं और या ये वीडियो देखकर भी जल्दी याद कर सकते हैं। ये टीचर द्वारा दिए गए लेक्चर भी आसानी से याद कर लेते हैं। ऐसे बच्चों को ग्रुप डिस्कशन करवाना चाहिए, इससे इन्हें मटेरियल आसानी से याद हो जाता है। ऐसे बच्चों के साथ क्या नहीं करना चाहिए, जिन बच्चों का ऑडिटरी लर्निंग पैटर्न अधिक सक्रिय होता है उन बच्चों को चिल्लाकर नहीं डांटना चाहिए, तेज आवाज़ में नहीं डांटना चाहिए, नहीं तो रिलेशन खराब होता है, बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं सुनते और बात को मन में रख लेते हैं और बच्चों और पेरेंट्स में दूरी बन जाती है। काइनेस्थेटिक लर्निंग पैटर्न वाले बच्चों को कहना चाहिए कि लिख लिख कर याद करें या मूव कर कर याद करें तो उन्हें जल्दी याद होगा और पढ़ने में उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, यानी मन भी लगेगा,
लंबे समय तक पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। ऐसे बच्चे आउटडोर गेम में ज़्यादा रुचि लेते हैं। इन बच्चों को आउटडोर गेम खेलने का परमिशन देना चाहिए। यदि एक घंटा आउटडोर गेम खेल लेते हैं तो पढ़ने में इनका मन भी लगने लगेगा। इस लर्निंग पैटर्न के बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए। यदि आप मारते हैं पीटते हैं तो ऐसे बच्चों से आपका रिलेशन खराब हो जाएगा और वह आपकी बातों को नहीं मानेंगे। इसलिए अभिभावकों से विनम्र अनुरोध है कि इस लर्निंग पैटर्न के बच्चों को मारें पीटें नहीं। चलिए क्यूसेंट्स के बारे में बताते हैं कि क्यूसेंट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुख्य चार प्रकार के क्यूसेंट्स होते हैं, IQ, EQ, CQ, AQ, और आगे हम पढ़ेंगे SQ और PQ के बारे में। यहाँ पर हम रिपोर्ट में चार तरह के क्यूसेंट्स के बारे में बताते हैं। सबका परसेंटेज 20% या इससे ऊपर होने पर यह स्ट्रांग होता है, किंतु EQ 20% से नीचे होना चाहिए। यदि रिपोर्ट में IQ लेवल 20% से अधिक है तो बच्चे की पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों में भी मानसिक पकड़ अच्छी है। अगर यह 20% से नीचे है तो ऐसे बच्चों को पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन वर्कशॉप में भाग अवश्य लेना चाहिए। यदि रिपोर्ट में EQ लेवल 20% से अधिक है तो बच्चा अधिक भावुक हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर सकता है, अधिक रोता है, छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेता है, बातों को मन में गांठ बांध लेता है, कमरा बंद करके बैठ जाता है। ऐसे बच्चों को भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन वर्कशॉप में भाग लेना चाहिए। प्रकृति द्वारा ऐसे बच्चों को एक वरदान दिया जाता है कि इनका म्यूजिक स्किल बहुत अच्छा होता है। अतः डांटने के बाद जब यह नाराज हो जाते हैं या बात को मन में ले लेते हैं तो इन्हें इनके मनपसंद म्यूजिक को सुनाएं तो इनका क्रोध शांत हो सकता है। इसलिए अभिभावक ऐसा करके बच्चों के ब्रेन को शांत कर सकते हैं। CQ क्रिएटिव क्वोशिएंट, यह लेवल 20% से अधिक है तो बच्चा अधिक रचनात्मक होगा, उसके आइडिया फॉर्मेशन बहुत अच्छे होंगे। ऐसे बच्चे किसी भी कार्य को बहुत ही रचनात्मक तरीके से करते हैं। इन बच्चों की ड्राइंग पेंटिंग बहुत अच्छी होती है। इनको साफ सुथरा कार्य करना और साफ सुथरा रहना अच्छा लगता है। यह अपने कार्य को बहुत व्यवस्थित ढंग से करते हैं। यदि क्रिएटिव क्वोशिएंट 20 से कम है तो ऐसे बच्चों को मिड ब्रेन एक्टिवेशन वर्कशॉप में अवश्य भाग लेना चाहिए, जिससे कि उनका यह क्वोशिएंट अच्छा हो जाता है। AQ एडवर्सिटी क्वोशिएंट लेवल, जिन बच्चों का एडवर्सिटी क्वोशिएंट लेवल 20 से ऊपर होता है वह अपना कार्य पूर्ण जोश और जुनून के साथ करते हैं। यह किसी भी विषम परिस्थिति में घबराते नहीं हैं, यह कभी आत्महत्या नहीं करते हैं। यदि AQ 20 से नीचे है तो ऐसे बच्चे आत्मविश्वास की कमी होती है,
जितना पढ़ते हैं उसके आधार पर उनका अंक परीक्षा में नहीं आता है। 100% पढ़कर जाते हैं और 70% ही कर पाते हैं, घबरा जाते हैं। यह विषम परिस्थिति में अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाते हैं। इनके ऊपर यदि मुसीबत आती है तो ये आत्महत्या, जहर इत्यादि भी खा सकते हैं। ऐसे बच्चों को भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन अवश्य करवाना चाहिए। मिड ब्रेन एक्टिवेशन करवाने से जो इसमें कमी होती है वह एवरेज में आ जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। यदि एक्यू 10 से नीचे है तो ऐसे बच्चे परीक्षा से पहले पेट दर्द, बुखार आना, बीमार होना, हाथ से पसीना आना, याद किया हुआ भूल जाना, स्टेज पर जाने से घबराना, याद किया हुआ भूल जाना, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यदि ऐसा है तो आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन करवाएं और इन सभी कमजोरी को दूर करें और अच्छा रिजल्ट पाएं और जीवन में सफल बने। धन्यवाद, नमस्कार। बीएचयू गेट सिकनेस से आपको आना है सामने घाट सनबीम एकेडमी के पास, ठीक है? तो जो रामनगर पुल बना हुआ है वहाँ आइएगा। अतनगा रामनगर के पुल पर चढ़ना नहीं है, आपको नीचे से आना है। वहां सिकनेस से लगभग 150 मीटर आप आगे आएंगे इतने तो बाएं हाथ की तरफ सनबीम एकेडमी स्कूल पड़ेगा, ठीक है? ठीक सर। और दाहिने हाथ की तरफ एक गैंगेज हॉस्पिटल पड़ेगा, ठीक है? तो हॉस्पिटल वाले की जो बाउंड्री है वहीं के बगल से एक गली है, ठीक है? उस गली में, हाँ, उस गली में आप मुड़ जाइएगा। पहला मोड़ दाहिने हाथ की तरफ है, उसको छोड़ दीजिएगा। पहला मोड़ दाहिने हाथ की तरफ है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। एक मोड़ दूसरा मिलेगा, दूसरे मोड़ से आप बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाइएगा, सामने ही दिखेगा ब्रेन बूस्टर स्कूल, ठीक है? बस वहीं पर आ जाइएगा अपने का। और एनआईवीएस का लिखा हुआ है, एनआईवीएस स्टडी सेंटर बोर्ड लगा हुआ है, एक ब्रेन बूस्टर है, दोनों मेरा ही है, ठीक है? वहां पर आके अपने की हमसे बात कर लीजिए। ठीक सर, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा? दीक्षांत। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। लोहता से आ रहा है ना? ठीक सर। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल 1800 था, आज 2000 प्लस हो चुका है।